हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज आपको एक क्लियर कर दूं कि ये प्रमोशन वीडियो या किसी इसका पेड वीडियो नहीं है। ये खाली इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, इन्फॉर्मेशन पर्पस पर। तो चलिए देखते हैं ये जो मेरे हाथ में जो किट है ये किस काम का आता है। ये एक स्टीरियो प्लेट है जो कि एम्पलीफायर स्टीरियो प्लेट है ये, और ये आप बहुत सारे चीज़ों में ये यूज़ कर सकते हैं ऑडियो के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15-15 वाट के दो स्पीकर इसमें चल सकते हैं, 15+15 यहाँ पर लिखा भी है। और इसका नंबर है देखिए CA3110, और ये 8 वोल्ट से DC 8 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक ये काम करता है। मतलब ये सबसे बढ़िया इसका ये फीचर है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट और राइट दो स्पीकर इसके अंदर जोड़ सकते हैं हम। ये देखिए लेफ्ट आउट और राइट आउट, और यहाँ पर इनपुट दिया है लेफ्ट और इसका राइट का। और ये सब वायरिंग करके आप ये प्लेट जो है ये हम चालू कर सकते हैं, या जिस चीज़ हमारे पास आती है जो भी चीज़ इसमें ऑडियो का या मदरबोर्ड LCD LED होते हैं, मदरबोर्ड जले जल जाते हैं या उनका ऑडियो काम नहीं करता, तो उस जगह पर ये प्लेट हम अच्छी तरह से ये मॉड्यूल हम अच्छी तरह से फिटिंग कर सकते हैं, और अच्छी तरह से इसका आवाज़ भी आएगा और लेफ्ट राइट साउंड भी इसके अंदर आ जाएगा। मतलब इसमें कभी आप लेफ्ट राइट उसमें जोड़ देते हैं और टीवी का, तो उसमें लेफ्ट राइट साउंड का भी आपको सिस्टम मिलता है। बहुत ही बढ़िया ये किट है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ज़्यादा गर्म या कुछ ऐसे हीटसिंक की ये जो प्लेट है इसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से ये जो प्लेट है आप कभी आपको असेंबल ब्लूटूथ बनाना रहा तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। कभी आपके पास ब्लूटूथ आया है रिपेयरिंग के लिए छोटा वाला, जो कि उसमें ऑडियो का प्रॉब्लम है लेकिन रीडिंग कर रहा है USB, और उसमें भी ये आप जोड़ सकते हैं। और कौन सा भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जिसमें ऑडियो का प्रॉब्लम आता है उसके लिए हमें उसका मदरबोर्ड चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए अभी उसका जो IC होता है वो भी हमें नहीं मिलता, तो उस जगह पर ये हम प्लेट फिटिंग करके उसका ऑडियो निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी जो भी मुझे अच्छा लगा ये प्लेट के बारे में वो मैंने आपको बताया है, और ये प्लेट आप एक बार यूज़ करके देखिए, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसमें 8 वोल्ट से लेके हम 24 वोल्ट तक दे सकते, जितना कम वोल्टेज हम यहाँ पर देंगे अच्छा है। दूसरा एक प्लेट मेरे पास अभी है जो कि वो ओनली 5 वोल्ट पे चल सकती है, ये भी स्टीरियो प्लेट है। यहाँ पर देख सकते हैं उसका भी कनेक्शन वैसा ही है, इसमें 5 वोल्ट ही देना चाहिए, 5 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो ये प्लेट ख़राब हो सकती है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट का आउट दिया है, देखिए दोनों साइड में स्पीकर लगा सकते हैं यहाँ पर, और एक साइड से उसको इनपुट दिया है लेफ्ट और राइट का। तो ये जो प्लेट है ये भी बहुत जगह पर हम फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा है कि आप ब्लूटूथ छोटे ब्लूटूथ वगैरह होते हैं उसमें ये प्लेट लगा सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं उसमें लगा के, लेकिन इसमें 5 वोल्ट ही होना चाहिए, 5 वोल्ट से ज़्यादा ये प्लेट काम नहीं करती। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वहाँ पर वो प्लेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका नंबर है देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, 84 03, बराबर है ना? ओके, तो ये इसका नंबर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी, ये भी अच्छी प्लेट है लेकिन उसकी तुलना में थोड़ी कम पड़ती है या थोड़ा कम ऑडियो इसमें आता है। तो आप जैसे आपको लगता है कि जो आपको सफिशेंट है वो प्लेट आप उसमें जोड़ सकते हैं। तो मुझे लगा ये दोनों प्लेट से जो भी आपको मुझे इन्फॉर्मेशन है आपको दे दूँ, वो आपको काम में आ जाएगी। ओके, ये वीडियो को भी आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो देखने के लिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।